मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीआईपी एरिया है, तो मेरे को फिर चालान कर सकते हैं लोग, तो मुश्किल हो जाएंगी, फिर मेरे को भी टिकट पे करने पड़ेंगे यार। ये फ़ोटो खींचने का चक्कर जो है ना बड़ा रिस्की है यार, तो बोल नहीं सकते, कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाएगा तो कुछ भी। एक चीज़ बताऊँ मैं यार, मैं जब अकेला होता हूँ रात को बोर हो जाता हूँ, तो मेरा जो काम है म्यूजिक टीचर का, म्यूजिक तो सिखाने पड़ेगा, तो कुछ चीज़ होते हैं जो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ते हैं। तो गली के बाहर आके थोड़ा सा बैठ गया, एक दुबई का कुछ गवर्नमेंट का ऑफिस है, रात का टाइम था, तो एक मैं आराम से चलता फिरता हूँ, बजा रहा था फ्लूट, एक्सरसाइज कर रहा था, तो किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब आराम से मैंने कहा यार बैठ के कर लेता हूँ, तो तने था एक पुलिस वाला आ गया, बोलता है सलाम वालेकुम। मैंने बोला सलाम वालेकुम, वर इज योर हाउस? मैंने बोला ये सामने रहता हूँ। बोलता अपने घर चला जाओ। ओके, इतने ही बोला, मेरे आँख में देखा, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, बोल भी नहीं सकते। देखिए ये स्टाफ उठाने वाली गाड़ी आ गया, ये सारे अब ये शटल बैंस हैं, तो फिर चला गया। मैंने उनके ऊपर देखा भी नहीं, और मैं क्यों भी नहीं बोला, कैसे भी नहीं बोला, क्योंकि जो बोला तो करना पड़ेंगे, खास करके यहाँ के पुलिस, यहाँ के लॉ से आप डिस्कस नहीं कर सकते, और लोगों को वैसे भी तंग नहीं करते, एक सिस्टम है। और ये ई कार लिखा हुआ है जो सामने दिख रहा है, ये ई कार जो है, ये ई कार में ड्राइवर नहीं है, दुबई का कार है, ये आरटीओ के अंदर में चलता है। ये गाड़ी लाइसेंस आपके पास हो तो ये बिना ड्राइवर का गाड़ी है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, इसका ऐप होगा आपके पास, वो ऐप अगर लेंगे तो ऑन करेंगे, ये गाड़ी में टच करेंगे तो खुल जाएगा गाड़ी, है ना जी, ये गाड़ी है ई कार, गाड़ी खुल जाएगा, और इस गाड़ी को आप जहाँ मर्जी जाके ले जाएं, और घंटे के हिसाब से होता है 20-25 दिरहम कितना है उसका, आपका ऐप में से कटेगा अकाउंट में से, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर छोड़ के चला जाएंगे, कोई बात नहीं है, आपको पार्किंग में लगा के चला जाना है, चाबी उसी में रहता है, ऐप होगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। जिसके पास लाइसेंस होगा, ऐप होगा, अप्रूवल होगा, वो खोल सकता है और लेके जा सकता है। लिया जहाँ लिया वहाँ छोड़ा, फिर आप अपने मर्जी से बिना गाड़ी से जाएँ या दूसरे टैक्सी से जाएँ, या फिर काम ख़त्म किए, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस ई कार। फिर दूसरा आ जाएगा और वहाँ से कहीं ले जाएगा। इंटरेस्टिंग है यार, और यहाँ गाड़ी का कोई खास वैल्यू भी नहीं है, वैल्यू तो है गाड़ी इतना महंगे महंगे भी आते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ गाड़ी वाला से किसी से मतलब नहीं है अपने कंट्री में। फिर भी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास भी गाड़ी हैं और दोस्तों के पास भी गाड़ी होगी, होती भी है, तो एक छोटा सा गाड़ी है तो कहीं ना कहीं दिखाने का एक मसला होती है, नहीं यार दिखा ले, है ना, कहीं दिखा ले, चलो गाड़ी में आ रहा बंदा, यार कार वाला है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से मिलने जाते हैं, घर जाते हैं, तो किसी के घर के यहाँ के तो होता नहीं है गेट पार्किंग जैसा, सारे बिल्डिंग्स ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग्स बने होते हैं, तो बिल्डिंग के नीचे पार्किंग होती है, साइड में पे पार्किंग होती है, जिसके घर मिलने जा रहे हैं उससे पार्किंग से मतलब नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते आप घर में आ रहा हूँ पार्किंग नहीं, तो ऐसे ही होता है उधर, तो गाड़ी दिखने दिखाने का कोई मतलब नहीं होता यार। कोई किसी से पूछता नहीं आप कैसे आए, आए हो तो आए हो ठीक है, जा रहे हो तो अपने तरीके से जा रहे हो ठीक है, तो यहाँ का जो अंडरस्टैंडिंग ऐसा चलती है, तो इसीलिए गाड़ियों का खास कीमत नहीं है, कौन बंदा कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पार्किंग है, बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी होती है, लेकिन ऐसे ही पार्किंग लॉट में खड़ा कर देते, कोई किसी को नहीं देखता। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नेपाली हो तपाईँ? ओके, नमस्कार सर, घर कहाँ पर है आजको? पूर्व पाँच तर ल, खुसी लाग्यो, मेरो नाम चाहिँ राजकुमार टराली, यो राजकुमार टराली युट्युबबाट यो तपाईँ देखिनुभयो, यो लक्क कुरा, म चाहिँ भ्लग बनाउँछु।